बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मदीना का बाज़ार गर्म था, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजर अपने साथ एक ग़ुलाम को लिए परेशान खड़ा था। ग़ुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था, बस ये ग़ुलाम ही बाकी था जिसे ख़रीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजर सोच रहा था कि इस ग़ुलाम को ख़रीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब अगर ये ग़ुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो इसे फ़ौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की की इस ग़ुलाम पर नज़र पड़ी तो इसने ताजर से पूछा कि ये ग़ुलाम कितने का बेचोगी। ताजर ने कहा कि मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दे दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए उसे ख़रीद लिया। ताजर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफ़ा मदीना आए तो इन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहम दिली से मुतासिर होकर उन्होंने इसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की जिसका नाम सुबीता बिनती आर था, उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी और वो ग़ुलाम भी मालकन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफ़ा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान इब्ने अफ़ान से मिले तो इन्हें कुछ बदला हुआ पाया और इनके रवैये में सर्द मैरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफसार किया कि उस्मान ये सर्द मैरी क्यों, तो उस्मान इब्ने अफ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दहरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और ग़ुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो इन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ग़ुलाम से कहा कि चूँकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें ग़ुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो। ग़ुलाम ने कहा आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है, आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ग़ुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। ग़ुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया, और वो जब कुरान पढ़ते तो खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, उनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और इनका ये ले पालिक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस ग़ुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ होने की वजह से इन्हें इमाम चुन लिया गया, और इनकी इमामत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कद्र साहबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब इन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान रह गए कि ये वही ग़ुलाम है जिसे कोई ख़रीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो कितनी इज़्ज़त मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह ताला ने इन्हें खुशगलू इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महबियत तारी हो जाती और राहगीर ठटक कर सुनने लगते। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में देर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ़ की वजह पूछी तो बोली कि एक कारी तिलावत कर रहा था, इसके सुनने में देर हो गई, और खुश लहानी की इस कदर तारीफ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ़ ले आए
देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? इनका नाम हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु था, जो सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंगे मौता में जाम शहादत नोश किया। अल्लाह की करोड़ हा रहमतें हों इन पर।